हे गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ घर की शादी में आप किस तरह से मेकअप करें जब आपको पार्लर ना जाना पड़े। तो आप भी इस तरह से मेकअप कर सकते हो अगर आपकी घर की शादी है और आप घर की शादी में कुछ शरारा गरारा सूट टाइप कुछ पहन रहे हो तो आप इस तरह सा मेकअप कर सकते हो जो कि बहुत ही प्यारा लुक देने वाला है। इस तरह से आप हेयर स्टाइल बना सकते हो, इस टाइप से आप ज्वेलरी पहन सकते हो और बहुत सी सिंपल एंड सोवर लुक क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही नेचुरल है क्योंकि समर सीज़न को ध्यान में रखते हुए मैंने ये लुक ट्राई किया है। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी अपनी हेयर स्टाइल एंड ज्वेलरी सब कुछ पहन रखा है, बस मुझे मेकअप करना है। तो इस टाइप से आप अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज जो भी होता है वो कर लीजिए। उसके बाद में मुझे पिगमेंटेशन है जो कि कैमरे पे बहुत ज़्यादा शो नहीं होता है बट है, तो मैं उसको पहले कवर करूँगी। आपकी जो स्किन में प्रॉब्लम होती है उसको कवर करने के कई एक तरीके होते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर करेक्टर से अपनी पिगमेंटेशन को हाइड कर रही हूँ, फिंगर की हेल्प से मैं कर रही हूँ। और मुझे इस टाइम डार्क सर्कल भी हैं तो मैं उसे भी कवर कर रही हूँ। आप उसे भी कवर कर सकते हो और आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर पहले ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करके कवर किया है, देन मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने किस तरह से किया है आप देख सकते हो, मैंने एक चीज़ दिखाई हुई है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फाउंडेशन ले रही हूँ, लाइक दो पम्प। आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन लें जो आपकी स्किन से एकदम मैच करता हो, तभी आपका मेकअप है वो काला नहीं पड़ेगा, ग्रे नहीं होगा। और मैंने यहाँ थोड़ा सा कॉम्पैक्ट भी ऐड कर लिया है और ये एकदम मेरे स्किन टोन से मैच कर रहा है। मैंने यहाँ पे लगा कर भी आपको दिखा दिया है। अगर आप अपने स्किन टोन से फाउंडेशन चूज़ करते हो, नहीं अगर आपके पास है तो आप उसको थोड़ा सा घर में ऐड करके उसे अपने स्किन टोन का बना सकते हो। वो कैसा करना है किसी वीडियो में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया, उसके बाद मैं लूज़ पाउडर से मैं यहाँ पर अपने बेस को सेट कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा भी फेक ना लगे, किकी ना लगे। उसके बाद मैं आई मेकअप करूँगी। सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे यहाँ पर आई मेकअप। आई मेकअप को पहले मैंने क्रीज लाइन सेट की है चॉकलेटी कलर से। मैंने ये इनर और आउटर कॉर्नर को कवर किया है। ये वाला आई लुक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है इस टाइम, ये वाला ही चल रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर जो ड्रेस पहना है उसी कलर से मैंने आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर को कवर किया हुआ है। देन मैंने कंसीलर से कट क्रीज बनाई है, देन मैंने ग्लिटर अप्लाई किए हैं। तो बस मैंने सिर्फ हाई पॉइंट पे ही कट क्रीज बनाई हुई है और उसके बाद में मैं ग्लिटर अप्लाई करूँगी। आप चाहो तो सिल्वर, ग्रे, ड्रेस के अकॉर्डिंग भी, कलर के अकॉर्डिंग भी आते हैं तो आप वो भी ले सकते हो, बट मैंने यहाँ पर गोल्डन किया क्योंकि मेरे ड्रेस में गोल्डन है, मेरी ज्वेलरी गोल्डन है। और ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है, उसको लिंक दे दूँगी। इसमें कोई भी ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ही ईजली आराम से लग जाता है और बहुत ही सॉफ्ट लुक देता है। मतलब फेक नहीं लगता, बहुत ज़्यादा हाई नहीं लगता। आप इसको डे में भी यूज़ कर सकते हो, नाइट में भी यूज़ कर सकते हो। बस क्वांटिटी का फ़र्क होता है, क्वांटिटी आप कम कर सकते हो या ज़्यादा कर सकते हो। बहुत ही प्यारा आई मेकअप लग रहा था ये ग्लिटर लगाने के बाद, क्योंकि ग्लिटर के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि ग्लिटर लगाएं कि ना लगाएं। तो अगर आप कोई भी ग्लिटर चाहते हो ना तो ये आप परचेज़ कर सकते हो, अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगा। तो मोस्टली यहाँ पे मेरा जो आई मेकअप है वो कंप्लीट हो रहा है और ये आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो उसके बाद में मैं अपनी लोअर लैशेस पे भी अप्लाई करूँगी सेम कलर, और मैंने यहाँ पर ब्लैक ना लगा कर ब्राउन कलर का काजल लगाया हुआ है और शायद वो मुझे दिखाने से स्किप हो गया है। तो जिस तरह से मैंने ड्रेस पहनी हुई है उस तरह से मुझे पूरा ही मेकअप चाहिए था। उसके बाद में मैंने तो विंग ड्रॉ करके आईलाइनर लगाया हुआ है और स्लो करके दिखाया ताकि समझ आए कि मैंने कैसे किया हुआ है ये मेकअप। आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। और इस टाइप की और भी वेडिंग के लिए अगर आप मेकअप देखना चाहते हो तो मुझे कॉमेंट करिए। तो मोस्टली आई मेकअप मेरा कंप्लीट हो रहा है।
प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स दे दी रहती हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ पे फॉलो करिए। उसके बाद मैं न्यूड कलर का ब्लशर लगा रही हूँ बहुत कम क्वांटिटी में, और हाइलाइटर को मैंने टोटली स्किप किया हुआ है यहाँ पर, और बहुत ही ग्लोई डोई मेकअप लग रहा था मेरा ये, और काफ़ी टाइम तक चला क्योंकि इसके बाद मैंने रील्स बनाए हुए हैं, बहुत टाइम तक मैंने मेकअप को रखा, तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग मेकअप था ये। और उसके बाद में मैंने लिया है यहाँ पे ब्राउन कलर, लिपस्टिक से आउटलाइन की हुई है, देन मैंने यहाँ न्यूड कलर से कंप्लीट किया हुआ है अपना लिपस्टिक, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैं यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है वो हटा रही हूँ, और ये मेरा फाइनल लुक गाइस। आप लोगों को कैसा लगा? फुल ड्रेस नहीं दिखा पाई हूँ, बस इतना ही दिखाया है। और कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।